स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास एक क्वेरी लगातार आ रही है, सर मैं एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी है किस स्टेट से फिल करूं? मेरे स्टेट के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई है, या मेरे स्टेट के अंदर वैकेंसी बहुत कम है। जैसे कि बिहार के बच्चों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है कि दे आर सेइंग कि हमारे स्टेट में जीरो वैकेंसी है, सर मैं कहाँ से फॉर्म फिलअप करूँ? तो ध्यान रखना कि अगर आप, मैं जिस बात का आपको जवाब दे रहा हूँ ना, ये बहुत सटीक बात है, तो जरा सोचिएगा, है ना। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा और पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़, अगर मैं सपोज करूँ दिल्ली से हूँ और मैं फॉर्म भर रहा हूँ उड़ीसा से, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी? क्या मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि मैं उड़ीसा जाकर के एग्जाम दे पाऊँगा? क्या मेरे लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी इस कोविड के टाइम में कि क्या मैं उड़ीसा चला जाऊँगा? या फिर अगर मैं बिहार से हूँ और मैं राजस्थान से भर रहा हूँ, या दिल्ली से भर रहा हूँ, या गुजरात से भर रहा हूँ, तो क्या उस दिन के लिए मेरे पास इतने अरेंजमेंट होंगे कि मैं वहाँ चला जाऊँगा? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, क्या आप क्लर्क की नौकरी के लिए, जहां पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30,000 की जॉब मिलेगा, क्या आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाएंगे? क्योंकि आपको वहीं पे ही रहना होगा, क्लरिकल में ट्रांसफर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप लंबे टाइम तक जा पाएंगे? क्योंकि अगर पीओ होता तो शायद आप ट्रांसफर ले लेते, लेकिन क्लरिकल है तो नहीं कर पाएंगे। तो ये दो बैरियर तो बहुत बड़े हैं और बहुत जेन्युइन से क्वेश्चन है, अपने आप से करिएगा। तीसरा क्वेश्चन कि दोस्त, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के अंदर आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर रीड होगा, राइट होगा, और मतलब रीड होगा, राइट होगा, स्पीक होगा। तो स्पीकिंग में तो खैर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, परंतु रीड एंड राइट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ये तीन चीजें अपने आप से पूछिएगा। क्लैरिकल का जॉब है जिस स्टेट में आप जा रहे हैं, क्या आपके पास उतने बंदोबस्त हैं कि आप उस स्टेट में जा पाएंगे इस कोविड के दौरान, इस सिचुएशन के दौरान जब बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है। दूसरा, ये ध्यान रखिएगा कि जिस जगह आप जा रहे हैं, क्या आप लंबे समय तक वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे? क्या आप एक क्लरिकल की जॉब के लिए गुजरात या फिर महाराष्ट्र या फिर कोई ऐसी जगह पे जो आपके आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, 500, 700, 800 किलोमीटर दूर है, क्या आप जा पाएंगे? और तीसरा, क्या आपको उस स्टेट का टेस्ट आता है क्या? ये तीन क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं बस यही कहूंगा, आपके स्टेट से फॉर्म भरिए जहां पे वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन अपने स्टेट से भरिए और फाइट करिए, ताकि जब सिलेक्शन हो तो सबसे ज्यादा खुशी होगी कि हाँ अपने परिवार के साथ है, उन्हें संभाल पाएंगे। अगर आपके स्टेट में बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं है, जीरो वैकेंसी है, तो अपने नियरेस्ट स्टेट पे जाइए, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोसों दूर स्टेट पे चले जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आएगी। और भी कोई क्वेरी हो प्लीज इस वीडियो के कॉमेंट में डाल दीजिएगा, आई विल रिजॉल्व। थैंक यू।